हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एडुकेशन हब। आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अबाउट द इंडियन पेंटिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगी ये। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। अब देखो, जब भी इंडिया की बात करी जाती है तो इंडिया किसके लिए ज़्यादा पॉपुलर है, दैट इज़ फॉर द आर्ट। आर्ट की बात, जैसे ही इंडिया की बात चलती है तो आर्ट की बात आ जाती है, कल्चर की बात आ जाती है। तो पेंटिंग क्या है? पेंटिंग इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट। ठीक है, तो इंडिया किस चीज के लिए अगेन पॉपुलर है, दैट इज फॉर द आर्ट एंड कल्चर। अब इसके बाद देखें, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं हमारे पास जिससे हमें पता चलता है कि यस, जो इंडियन पेंटिंग्स थी वो भी किसी टाइम पे एग्जिस्ट करती थी, ना सिर्फ मॉडर्न टाइम पे, नो नॉट ओनली इन द मॉडर्न बट एंशियंट मेडिवल, ना सिर्फ एंशियंट मेडिवल में बट प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी हमें ऐसे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि जो पेंटिंग्स थी दे वर प्रेजेंट इन इंडिया सिंस प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो इतने टाइम से ये अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप की पेंटिंग्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी केव्स में हमें ये पेंटिंग्स मिली हैं वो सारी पढ़ेंगे, क्या क्या मेन फीचर है उस पेंटिंग का, कैसा थीम रहेगा। थीम में आ जाता है कि बुद्धिज्म पे बेस्ड है, जैनिज्म पे है, हिंदुइज्म पे है या फिर सेक्युलर है। तो बहुत सारे ऐसे थीम्स देखने को मिलेंगे, साथ में हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। अब मिनरल से क्या पता चलेगा कि कलर जो थे वो किस चीज़ से बनते थे? मिनरल से। अब अगर मिनरल से कलर मिल रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं साइंस का भी पता था, ठीक है, कि इस मिनरल से ये वाला कलर पर्टिकुलरली हमें मिल जाएगा। तो इतनी सारी नॉलेज थी। तो यहाँ से पता चलता है कि हमारी ग्लोरी ना सिर्फ एंशियंट में, ना सिर्फ मेडिवल में और ना सिर्फ मॉडर्न में और आज के टाइम पे, बट वी हैव स्टार्टेड दिस फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम। तो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन। इफ यू वॉन्ट टू राइट यू कैन, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। ठीक है, पूरा देखेंगे हम कि किस तरह से जब यूरोपियन इंडिया में आते हैं तो इंडियन पेंटिंग्स में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें कहाँ पे करेंगे हम इसी लेक्चर के अंदर। तो आज हम देख लेंगे पूरा ओवरऑल इंट्रोडक्शन, फिर जो म्यूराल पेंटिंग्स होंगी अभी देखेंगे हम म्यूराल पेंटिंग्स क्या चीज है, वो सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज का लेक्चर काफी लेंथी रहेगा बट फोकस होके इसको सुनना। अब इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि एक्चुअल में पेंटिंग क्या होती है। ठीक है, आप बैठे हो, आपको प्यार हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो आप दिल बनाते हो, फिर यहाँ से तीर जाता है, आई थिंक हाँ ऐसे जैसे जाता था, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर नेम ए लिखते हो, पर्टिकुलर नाम बी लिखते हो, ठीक है, इस तरह से। तो पेंटिंग क्या चीज़ है? एक तरह से आर्ट। आर्ट किस चीज़ की? टू रिप्रेजेंट योर थॉट्स। थॉट्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जो दिमाग में चल रहा है वो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। कभी कभी खाली बैठे होते हो, ऐसी डायग्राम बनने लग जाती है, ठीक है, या ऐसी नहीं बनी तो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, बाद में पता लगता है ये तो टनल ही बन गई। ठीक है, तो आपकी थॉट्स को बताता है, आपकी इमेजिनेशन को बताता है। ठीक है, एक तो होते हैं जो नॉर्मल ड्रॉइंग ड्रॉ करते हैं, जैसे कि सभी करते हैं, जो ड्रॉइंग की बुक होती थी उससे ड्रॉ किया करते थे। एक होते हैं वो पर्टिकुलरली बहुत एक्टिव होते हैं, कॉनिशोर बोल सकते हैं, कॉनिशोर होता है समवन हु इज़ वेरी एक्टिव इन पर्टिकुलर थिंग एंड हैविंग ऑल नॉलेज ऑफ दैट थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कैलीग्राफी करता है तो उसको कैलीग्राफी की पूरी नॉलेज है कि कौन सा वर्ड किस टाइप पे कौन सी कैलीग्राफी यूज़ करनी है। तो उसी तरह से पेंटिंग होती है जिसमें थॉट्स एंड इमेजिनेशन रिप्रेजेंट करे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग समथिंग। और दूसरी बात, अब पहले के टाइम लिखने तो आता नहीं था अभी, ठीक है, राइटिंग्स इन्वेंट नहीं हुई थी। हम पढ़ते हैं ना एंशिएंट में, एक टाइम था प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री पढ़ते हैं ना ये। तो प्री हिस्ट्री में तो बिल्कुल ही राइटिंग एविडेंस नहीं था। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का मेन था वो क्या थी? पेंटिंग। लोगों को अगर कुछ भी रिप्रेजेंट करना है किसी और कम्युनिटी को, तो वो क्या करेंगे, इस तरह से स्टिक ड्राइंग्स बनाया करते थे, ऐसे बना दिया फीमेल के लिए, ऐसे जैसे कर दिया, ठीक है, इस तरह से बताया करते थे। एनिमल के लिए इस तरह से, आई थिंक ये बनेगा नहीं बट चलो ट्रा, हाँ बन गया, तो इस तरह से, तो एनिमल्स दिखा दिए, फायर के लिए ये यूज कर लिया, ठीक है, इस तरह से स्टिक डायग्राम्स को यूज किया करते थे। तो कम्युनिकेशन का मेन भी हमारा पेंटिंग ही रहा है एक टाइम पे, जब लोगों को राइटिंग का पता नहीं था। जैसे जैसे राइटिंग इमर्ज हुई तो कहीं ना कहीं पेंटिंग से अब नहीं रिप्रेजेंट किया करते थे लोग, फिर कहाँ पे शिफ्ट हो गए, फ्रॉम पेंटिंग या आर्ट या ड्राइंग टू राइटिंग्स। ठीक है, तो भी हमें फोकस कहाँ पे रखना है, दैट इज ओनली ऑन द पेंटिंग्स। तो कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। अब नहीं, इमोशन रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इमोशन में दिखाया जाए तो बहुत सारी ऐसी केव्स हैं जिसके ऊपर आप देखोगे कि इस तरह से एक लकड़ी का वो लगा हुआ है,
ऐसे पोल सा बनाया हुआ है, इसके ऊपर एनिमल टांग दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। नीचे लगी है आग, तो इससे क्या पता लग रहा है, और साइड में हो रहा है डांस, ऐसे ढोल की से भी पकड़ी होती है इस तरह से, इस तरह से। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रीट, ठीक है। जब फूड की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो वहां पे ये चीज क्या रिप्रेजेंट करेगी, ट्रीट। तो इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, कैसा मूड है, दैट इज द हैप्पीनेस से भरा हुआ, साथ में एक्साइटमेंट से भरा हुआ। तो इस तरह से ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आफ्टर दैट स्पेशल ओकेजन रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी एक तरह से पार्टी जब इनकी हो रही है तो दैट इज अ स्पेशल ओकेजन। डेली लाइफ रूटीन को बताते हैं। अब डेली लाइफ रूटीन कैसे आ जाएगी, अब देखो पहले जो थे ये हंटर एंड गैदरर्स थे, मतलब हंट करो और खाना खाओ, तो हंट करने के लिए उनको क्या रखना पड़ेगा, कुछ हार्पून्स वगैरह रखने पड़ेंगे इस तरह से, ठीक है। हार्पून पकड़ा हुआ है किसी बंदे ने और इधर आगे एनिमल जा रहा है, तो इस एनिमल को किलिंग कर रहे हैं। तो ये डेली रूटीन है, डेली लाइफ रूटीन कैसी हुआ करती थी वो चीज रिप्रेजेंट करता है। चार तरह की पेंटिंग्स हमें देखने को मिल जाती हैं, बट अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन देखें तो दो ही हैं, बट आप चार लिख सकते हो, वैलिड हैं ये चीज़ें क्योंकि आपके सिलेबस में भी मेंशनड है। तो कौन कौन सी आ जाती हैं वो, एक आ जाती है प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक में भी बहुत फर्दर तीन फेजेस देखने को मिलेंगे, दैट इज द अपर पेलियोलिथिक, इफ यू वॉन्ट टू राइट यू कैन, अपर पेलियोलिथिक के बाद मेजोलिथिक एंड फाइनली चालकोलिथिक। तो ये आपको देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ प्री हिस्ट्री। अब यहाँ पे मैंने अपर पेलियोलिथिक बोला, जब हम प्री हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो थ्री फेजेस आते हैं, कौन कौन से, पेलियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड फाइनली नियोलिथिक, और चालको भी आ जाता है कहीं ना कहीं एक तरह से ट्रांजिशन, बट यहाँ पे हमने इसको प्री हिस्ट्री में ही इंक्लूड करा हुआ है। अब ये जो पेलियो होता है ना, ये फर्दर तीन तरह का होता है, ठीक है, कौन कौन सा, लोअर पेलियोलिथिक, मिडल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। तो जब हम डिवीजन कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है सिर्फ अपर पेलियोलिथिक से हमें पेंटिंग्स के एविडेंसेस मिले हैं, नॉट फ्रॉम द लोअर, नॉट फ्रॉम द मिडल। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने क्या लिखा, अपर पेलियोलिथिक यहाँ पे एंड मेसोलिथिक और चालकोलिथिक। तो इन फेजेस में हमें काफी सारे एविडेंसेस मिलते हैं किस चीज के, दैट इज ऑफ द पेंटिंग्स। तो अपर पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, चालकोलिथिक, ये आगे भी आएगा, अगर आपने नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो, बट आगे भी ये चीज आएगी दोबारा से। दूसरे होते हैं म्यूरल्स। अब म्यूरल्स की बात करूं तो दो तरह के होते हैं ये भी, फ्रेस्को एंड टेम्पेरा। फ्रेस्को में क्या किया जाता है, ये मान लो आपकी वॉल है, ठीक है, इसके ऊपर पहले पूरा वेट प्लास्टिक लगा दिया जाएगा, और जब वेट प्लास्टिक इसके ऊपर लगा दिया गया इस तरह से, फिर इसके ऊपर ड्राइंग करी जाएगी, मतलब वेट प्लास्टिक के ऊपर इस तरह से जो भी बनाएंगे वो लोग पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है फ्रेस्को। टेम्पेरा की जब बात करते हैं तो टेम्पेरा में क्या किया जाता है, जो प्लास्टर होता है ना वो ड्राई होता है, फ्रेस्को में वेट। फ्रेस्को वर्ड फ्रेश से ओरिजिनेट हुआ ये, ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो वेट प्लास्टर कहाँ पे यूज होता है, इन केस ऑफ द फ्रेस्को, और टी फॉर टेम्पेरा, म्यूरल्स। अभी डिटेल में करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। फिर आते हैं मिनिएचर्स। नाम से ही पता लग रहा है, मिनिएचर्स, पहले इसका मीनिंग कुछ और हुआ करता था, बाद में इसका मीनिंग चेंज हो गया, तो वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हम आगे देखेंगे। मिनी अभी जो अभी हम बोलते हैं कि क्या मीनिंग है, तो मिनी मतलब स्मॉल, तो जितनी भी स्मॉल साइज पेंटिंग्स होती हैं उसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, मिनिएचर। उसके बाद पुराना मतलब क्या था वो हम इसकी डिटेल में देखेंगे। आफ्टर दैट फोक एंड इंडिपेंडेंट पेंटिंग्स। फोक या इंडिपेंडेंट या फिर इनको रीजनल पेंटिंग्स बोलो, एक ही बात है। रीजनल पेंटिंग की जब भी बात होती है तो मान लो ये इंडिया है, मान कह लो इंडिया ही है, ठीक है, माई मिस्टेक। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारी स्टेट्स हैं, ठीक है, आपकी 28 स्टेट्स आ जाएंगी, उन स्टेट्स के अंदर फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर फर्दर ब्लॉक्स हैं, तो मतलब बहुत डीप है। तो आप किसी एक एरिया में जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल चलते हैं टू गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, जब गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे मैं जाती हूँ तो वहां पे मुझे एक ट्राइब देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं वर्ली ट्राइब। तो ये जो वर्ली ट्राइब है ना, ये एक पेंटिंग बनाती है जिसका नाम ही क्या है, वर्ली, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी क्या आ जाती हैं, फोक या इंडिपेंडेंट पेंटिंग्स जिनको हम बोल देते हैं। वैसे ही अगर मैं लद्दाख में चली जाऊं या हिमाचल प्रदेश में चली जाऊं तो मुझे वहां पे एक पेंटिंग मिलती है जिसको बोलते हैं थंका, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी पेंटिंग्स मिलेंगी। वैसे ही मुझे यहाँ पे फट पेंटिंग मिल जाएगी इन उड़ीसा। अभी डिटेल में करेंगे कौन कौन सी पेंटिंग्स है, इतना टेंशन मत लेना, बस अब यहाँ पे आपको जितना लिखा हुआ है ना वो याद होना चाहिए एटलीस्ट इंट्रोडक्शन में।
आई जस्ट होप इतना आपको समझ आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो डिफरेंट एविडेंसेस ऑफ अर्ली पेंटिंग्स। हमने डांस किया, मतलब डांस का लेक्चर किया, फिर हमने म्यूजिक देखा, पपेट्री देखी, लिटरेचर देखे, बहुत सारे टॉपिक्स किए, बट उनको सपोर्ट करने के लिए हमें एक चीज़ रिप्रेजेंट करनी पड़ी, दैट इज़ योर एविडेंस। बिना एविडेंस के आप बोल ही नहीं सकते कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती भी थी या नहीं। तो इन केस ऑफ द पेंटिंग्स वी हैव टू गिव अगेन एविडेंस। एविडेंस के बिना ये नहीं सपोर्ट होएगा। जैसे मैंने पिक्चर लगाई है नीचे ये वाली, तो आपके मध्य प्रदेश में एक केव है जिसका नाम है भीमबेटका, तो वहाँ पे ये पेंटिंग देखने को मिली है और ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है। तो यहाँ से पता लगता है कि यस, पेंटिंग एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न की बात नहीं करती, बट हमारे प्री हिस्टोरिक पीरियड की भी बात करती है, जिसमें मैंने आपको तीन फेजेस बताए कौन कौन से, अपर पेलियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड द चालकोलिथिक। तो देख लेते हैं कुछ एक एविडेंसेस। एक पेंटिंग हमें देखने को मिली है इन द रीजन ऑफ सुहागी घाट कैमूर रेंज। यूपी का जो एरिया है वहाँ पे एक कैमूर रेंज पड़ती है और वहाँ पे एक एरिया है जिसका नाम है सुहागी घाट। तो वहाँ पे भी हमें एविडेंसेस देखने को मिले हैं अर्ली पेंटिंग्स के, फिर भीमबेटका केव्स के, ये जो मैंने नीचे पिक्चर दिखाई है आपको ये वाली। आफ्टर दैट आईवीसी और वैदिक पीरियड में भी हमें इंडियन पेंटिंग्स के एविडेंसेस देखने को मिले हैं। कैसे देखने को मिले? इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखते हो पॉट्स, पॉट्स का बहुत ज़्यादा रोल था, उन पॉट्स के ऊपर फर्दर फिशेज ड्रॉ थी, ठीक है, तो वो भी एक तरह से पेंटिंग थी। इससे पता चलता है कि लोगों के पास लीजर टाइम था और कुछ फ्री टाइम था, तो उन्होंने थोड़ी सी क्रिएटिविटी करनी भी शुरू करी। टाइम होगा तभी पेंटिंग होगी ना, बिना टाइम के थोड़ी पेंटिंग होगी। तो वैसे ही वैदिक पीरियड में भी हमें देखने को मिलते हैं, ऑल दो जैसे इन चीज़ों का डिक्लाइन हो जाता है तो पेंटिंग जो थी वो डिग्रेड करती है। आप देखोगे कि पॉट्स पे पहले स्टार्टिंग के जो पॉट्स मिलेंगे आपको उन पे काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग्स होंगी, फ्लावर्स होंगे, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फ्लोरा जब भी टर्म आएगी उसका मतलब होगा प्लांट्स, एंड फौना जब भी टर्म आएगी उसका मतलब होगा एनिमल्स। तो थीम्स देखोगे ना अगर आप पुरानी, तो सारी फ्लोरा एंड फौना पे बेस्ड है। बट जैसे जैसे ना डिग्रेडेशन होती है किसी भी चीज़ की, फॉर एग्जाम्पल अगर वैदिक पीरियड का डिक्लाइन आ जाता है, तो वहाँ पे आप देखते हो पॉट्स जो थे देवर कम्प्लीटली ब्लैंक, ठीक है, पूरी तरह से इस तरह से ब्लैंक हुआ करते थे। अब ब्लैंक आ गए हैं तो इसका मतलब डिग्रेडेशन स्टार्ट हो चुकी है, टाइम नहीं है पेंटिंग का, लोग खुद को सेव करें या पेंटिंग बनाए तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, खुद को ही सेव करेंगे। तो इससे पता चलता है कि पेंटिंग उसी कंट्री में होगी, आर्ट और कल्चर उसी कंट्री में सस्टेन होगा जहाँ पे शांति होगी, पीस होगा, ठीक है। और उसके बाद एंशियंट और मेडिवल पीरियड में भी हमें बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स मिलती हैं कि पेंटिंग के साथ साथ वहाँ पे राइटिंग एविडेंसेस भी देखने को मिले, ऑब्वियसली क्योंकि अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी राइटिंग्स आ गई थी, ऑल दो दैट इज़ नॉट डिसाइफर्ड येट, अभी तक पता ही नहीं है कि वो लिखा क्या है, तो उस वजह से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। ऑल दो आप पेंटिंग्स देखोगे आगे आगे तो नीचे यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना होगा, उसके ऊपर चाहे से ऊपर लिख दिया होगा कुछ या तो फिर बॉटम में कुछ लिखा होगा, बीच में आपकी पेंटिंग देखने को मिलती है। बहुत सारी रेफरेंसेस में देखें, चार तरह की हमें पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। अब ये रेफरेंसेस कहाँ कहाँ से उठाई है वो भी आप चीज़ नोटिस कर सकते हो, दैट इज ब्राह्मणिकल्स और साथ में बुद्धिस्ट लिटरेचर्स, वहाँ से ये रेफरेंसेस ली गई हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो आती है दैट इज द लेप्या चित्र। अब ये जो लेप्या चित्र हुआ करते थे ना, चलो मैं इसको ना ठीक से लिख देती हूँ साइड में, ये नोट कर लिया ना, ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट वहां से उठाए हैं ये थीम्स, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगी लेप्या चित्र की। चित्र से पता लग गया पेंटिंग है, किस चीज पे बेस्ड है ये, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज, मिथ्स और साथ में लोर्स, जैसे फोक लोर्स होती है ना, किसी रीजन टू रीजन स्टोरीज वेरी करती हैं, ये हमारा हीरो हुआ करता था, इस तरह से इन्होंने फाइट करी, इस तरह से ये जीते, तो वो सारी किस्में आ जाती हैं लेप्य चित्र में। अब मेन चीज जो होगी कि ये जो मिथ्स और लोर्स है ना, दे आर ड्रॉन ऑन द टेक्सटाइल, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इसको किस चीज पे किया जाता था, ऑन द टेक्सटाइल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दिस इज लेप्य चित्र। लेप्य चित्र के बाद सेकेंड रेफरेंस आती है लेख्य चित्र। अब दो चीजों से बना हुआ है, किस चीज से? एक लेख्य, लेख्य मतलब रिटन, चित्र अगेन मतलब पेंटिंग, ड्राइंग, आर्ट, कुछ भी बोलो। अब जो लेख्य चित्र है इसको जो ड्रॉ किया जाता था इन द फॉर्म ऑफ, एक तो ड्राइंग्स की फॉर्म में और दूसरा स्केचेस की फॉर्म में, ठीक
ठीक है, तो ड्राइंग्स और स्केचेस की फॉर्म में जो चीज ड्रॉ होती थी दैट वॉज द लेख्या, चित्र। इसके अलावा फर्दर ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता होनी ही चाहिए, दैट इज अ लेप्य चित्र और लेख्या चित्र। आफ्टर दैट थर्ड जो आएगी दैट इज धूली चित्र, मतलब ऐसा चित्र जो कहाँ बनाया गया है, फ्लोर पे, ऑन द फ्लोर। याद किसे रखना है, धूली, धूली ओरिजिनेट हुआ फ्रॉम द वर्ड धूल, तो धूल कहाँ पे होती है, फ्लोर पे होती है, तो ऐसी ड्राइंग जो फ्लोर पे ड्रॉ करी जाती है तो दैट इज द धूली चित्र। एंड आफ्टर दैट वन मोर इज देयर, दैट इज पट्टा चित्र। अब ये पट्टा चित्र क्या होता है, यहाँ पे जो पट्टा होता है ना, इसका मतलब होता है या तो क्लोथ बोल लो, तो क्लोथ पे बना दी जाती थी, या फिर पाम लीफ जो होती है उसके ऊपर, तो वो जो ड्रॉइंग दैट इज डन ऑन द क्लोथ या पाम लीफ, उसको क्या बोल देते हैं, पट्टा चित्र। तो बहुत सारी रेफरेंसेस देखने को मिली हमें फ्रॉम द ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, क्या क्या, लेप्य चित्र, लेख्या चित्र, धूली चित्र, पट्टा चित्र, इनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। पट्टा जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बेसिकली हम इसको क्लोथ के लिए ही यूज करते हैं, बट आपकी रेफरेंस में दिया हुआ है कि पाम लीफ के लिए भी इसको यूज किया जाता था। बट आप एक पेंटिंग पढ़ोगे, लोकल पेंटिंग आगे चल के, तो वहां पे हम पट्टा का मीनिंग क्या करेंगे, सिर्फ क्लोथ, बट ऑल्दो पाम लीफ इज ऑल्सो राइट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट छह प्रिंसिपल हमें देखने को मिलते हैं पेंटिंग्स के, वो छह प्रिंसिपल कहाँ से उठाए हैं, तो एक बुक है कामा सूत्र। कामा सूत्र किसने लिखी थी, वत्स्यान ने, वेरी इंपॉर्टेंट। किसके कंटेम्प्रेरी थे आपके वत्स्यान, तो गुप्तास के, ठीक है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो किसके कंटेम्प्रेरी थे वत्स्यान, दैट इज ऑफ द गुप्तास। अब ये जो शार्डंग्स हैं जिनको छह प्रिंसिपल्स बोल दिया जाता है पेंटिंग के, छह सिद्धांत ऑफ पेंटिंग्स, तो इसमें क्या चीज है, इस चीज को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सा बताती हूँ। कोई भी पेंटिंग है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई आप पेंटिंग ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, ये कोई बंदा है, इसकी पेंटिंग ड्रॉ कर रहे हो, अब ये रियलिटी में है, डन, ये रियलिटी है उस पर्सन की, ऐसा वो दिखता है, आपने कैसा ड्रॉ करा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आपको क्या क्या चीजें देखनी है कि ये जो रियलिटी थी वो मैच कर पा रही है मेरी पेंटिंग से, डन। दूसरा, अब ये तो पेंटिंग जो होएगी वो तो छोटी बनेगी ना, बंदा तो 6 फुट 7 फुट का भी हो सकता है, बट आपकी जो पेंटिंग होएगी वो छोटी सी होगी, तो प्रोपोर्शन भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एक तो आपने देख लिया लुक, दूसरा आपने देख लिया प्रोपोर्शन, और अगर पेंटिंग बनानी है आपने तो आपको ब्रश का यूज करना भी आना चाहिए ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रशेज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। तीसरी बात, अगर ये बंदा हैप्पी है तो आपने क्या उसको सच में हैप्पी ड्रॉ करा, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसे तो नहीं हो गया सीरियस मोड पे, तो आपको एक्सप्रेशन भी नोट करना पड़ेगा। तो इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं दैट वी हैव टू नोटिस इनसाइड अवर पेंटिंग। तो इसी के बेसिस के ऊपर क्या चीज आ जाती है, शार्डंग्स। शार्डंग मतलब छह प्रिंसिपल्स, पेंटिंग के जो 6 प्रिंसिपल्स हैं जिनको वत्स्यान की कामा सूत्र से लिया गया है, एक चैप्टर है उसमें, तो वहां पे शार्डंग मेंशन थे, तो वहीं से ये उठाए गए हैं। तो फर्स्ट जो आपका शार्डंग रहता है दैट इज द रूपा भेदा। रूपा भेदा में क्या होगा, अब रूप, रूप मतलब लुक्स, तो क्या उसकी लुक्स और अपियरेंस है, जो आपने ड्रॉ करा उसकी क्या लुक और अपियरेंस है, दैट इज योर रूपा भेदा। प्रमाण, प्रमाण का मतलब हो जाएगा प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब मेजरमेंट, जो आपने ड्रॉ करी है, ऐसे तो नहीं कि मुंह बहुत बड़ा है और टांगे छोटी रहेगी, ऑल दो प्रोपोर्शन के हिसाब से टांगे लंबी होंगी, आपकी बॉडी ऊपर छोटी होगी, ठीक है, तो दैट इज प्रमाण। फिर आ जाता है आपका भाव, भाव का क्या मतलब है, एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन उस बंदे की जो आप पिक्चर बना रहे हो वो दे पाया आप या नहीं। भाव के बाद आता है लावण्य योगना, लावण्य योगना में ग्रेस देखते हो आप, क्या देखते हो, ग्रेस, कितने ब्यूटीफुली आपने कोई भी पेंटिंग बनाई है, ग्रेस कह लो या फिर एस्थेटिक एक्सप्रेशन कह लो, वो सारा कहाँ पे आ जाता है, लावण्य योगना में। सदृश्य, वेरी इंपॉर्टेंट, सदृश्य होता है रिजेम्बलेंस, क्या होती है, रिजेम्बलेंस, जो आपने बनाया वो मैच तो कर रहा है, बनाया शिनचैन बन गया डोरीमोन, वो चीज रिजेम्बलेंस कैसा दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल टाइम में भी आप लोग करते होंगे, एक दूसरे के पिक्चर्स बनाया करते थे, तो वो वैसा तो बंदा बिल्कुल नहीं दिखता ना, तो दैट इज द सदृश्यान, कितनी रिजेम्बलेंस है जो आप ड्रॉ करने की ट्राई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये पिक्चर लगी है, ठीक है, इसको बनाने की आप ट्राई करते हो, तो कितनी रिजेम्बलेंस आएगी, क्या आप ऐसी बना पाए, नहीं बना पाए, तो दैट इज योर सदृश्यान।
एंड आफ्टर दैट वर्णिका भंगा कि ब्रश का यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज द ब्रश, हाउ टू यूज कलर्स, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स कैसे यूज होंगे, तो दीज आर मेंशन इन द वर्णिका भंगा। ट्रिक की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्यों, क्योंकि ये तो बेसिक है ना। पेंटिंग को मैंने आपको बता दिया रियलिटी से कंपेयर करना है पेंटिंग को, तो वही चीज़ें हैं रूपा भेदा प्रमाण भाव लावण्य योजना सदृश्या और वर्णिका भंगा। आफ्टर दैट स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग, अब स्टाइल्स भी थे कुछ पेंटिंग्स के, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में ड्रॉ करी जाती थी पेंटिंग, आज भी डिफरेंट स्टाइल्स में ड्रॉ करी जाती है। जिनकी स्पेशली ना हॉबी है पेंटिंग, उनसे तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। आप किसी भी इंटरव्यू में बैठे हो, पेंटिंग आपको पता है, तो ठीक है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन इस चैप्टर से पक्के हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स में बनती है, जैसे कौका पिताका, दिखाला पिताका, यमा पिताका। कौका, दिखाला और यमा पिताका, इनके कुछ छोटे छोटे फीचर्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो कौका और यमा है, इन दोनों के सेम ही फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, दिखाला का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब कौका पिताका में क्या किया जाता है, आइसोलेटेड फ्रेम ड्राइंग्स, इसमें फ्रेम बनाई जाती है पर्टिकुलर ऐसे, फिर उसके अंदर ड्राइंग करी जाती है, तो आइसोलेटेड फ्रेम ड्राइंग्स। जो दिघाला पिताक होती है, लॉन्ग स्क्रॉल्स और पेंटिंग्स होते हैं, टिश्यू पेपर होता है ना वो जो रोल करा हुआ, उस तरह से लॉन्ग स्क्रॉल्स होते हैं, इन पे फिर पेंटिंग ड्रॉ करी जाएगी। लंबे लंबे पेजेस होंगे, लंबे लंबे कपड़े होंगे, किसी भी चीज़ पे ड्रॉ कर दी जाएगी, पर लंबे स्क्रॉल्स होंगे। एंड आफ्टर दैट यमा पिताका, इसमें सिर्फ पेंटिंग होगी, इसमें कोई ऐसी फ्रेम नहीं बनाई जाएगी। अब देखो एक बार इनको मैं इकट्ठे ड्रॉ कर दूँ अगर, तो दिस इज योर कौका पिताका, इसके अंदर मैंने एक फ्रेम बनाई, ठीक है, फिर फ्रेम के अंदर मैंने पेंटिंग बना दी। आफ्टर दैट दिघाला पिताका में देखें तो लॉन्ग स्ट्रॉल्स होती हैं, लंबे लंबे होते हैं, ये मतलब जैसे टिश्यू पेपर होता है ना रोल होता है वो, तो उस तरह से लंबे लंबे स्क्रॉल होंगे, आप उस स्क्रॉल को खोलते रहो, आपको पेंटिंग दिखती रहेगी। एंड आफ्टर दैट यमा पिताका, इसमें सिर्फ आइसोलेटेड पेंटिंग है, ये आपकी शीट है, इसके ऊपर आपने पेंटिंग बना दी है। तो दीज आर द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स। स्कूल टाइम में भी आप देखते हो, जब एंगल्स ड्रॉ करने होते थे तो हम पहले शीट पे एक लाइन लगाते थे, ठीक है, दैट वॉज अ सॉर्ट ऑफ फ्रेम ड्रॉइंग। और अगर हमें कोई लैंडस्केप वगैरह बनाना है तो डायरेक्टली वी यूज टू मेक इट ऑन द पेपर, तो बिना किसी बॉर्डर के हम उसको बनाना स्टार्ट कर देते थे। लॉन्ग स्क्रॉल वाला तो किसी ने नहीं बनाया होगा जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी पता नहीं, बट दीज आर द थिंग्स फ्रॉम वेयर यू कैन रिमेंबर दैट। अब करते हैं, हमने स्टार्टिंग में देखा कि चार तरह की पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, चार तरह की, कौन कौन सी थी, प्री हिस्टोरिक के बाद थी आपकी सेकेंड, दैट वॉज द म्यूरल्स, देन मिनिएचर्स, एंड मिनिएचर्स के बाद थी आपकी फोक या इंडिपेंडेंट या फिर रीजनल पेंटिंग्स। तो अभी फर्स्ट आती है, दैट इज योर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, पेट्रोग्लाइफ्स। पेट्रोग्लाइफ्स का क्या मतलब होता है, इसका मीनिंग अगर पता लग गया तो ये टर्म कभी नहीं भूलेगी। पेट्रो का मतलब होता है रॉक, रॉक मतलब कि कुछ चीज ड्रॉ करी गई है रॉक के ऊपर, ग्लाइफ सॉरी। तो पेट्रोग्लाइफ का क्या मतलब हो गया, कोई ऐसी चीज जो कहां पे ड्रॉन है, दैट इज ऑन द रॉक। फिर आती है भीमबेटका केव्स, मध्य प्रदेश में, देखी ना मैंने आपको पिक्चर दिखाई पीछे जिसमें स्ट्रिक्ट ड्रॉइंग्स देखने को मिल रही थी, एनिमल्स भी थे, ह्यूमन बींग्स भी थे इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिक्ट ड्रॉइंग्स। तो भीमबेटका केव्स आपको देखने को मिलती हैं इन द मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं आपकी भीमबेटका केव्स। किसने डिस्कवर करी थी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज वी एस वकनकर। तो वी एस वकनकर ने आपकी भीमबेटका केव्स को डिस्कवर किया था इन 1957। ओके, और इनको जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है, जू रॉक शेल्टर। अब देखो रॉक भी आ गया, जू भी आ गया, शेल्टर भी आ गया। जू मतलब एनिमल्स पे बेस्ड होती थी, फौना पे बेस्ड होती थी, सो हेंस क्या नाम पड़ गया, दैट इज जू रॉक शेल्टर। तीन मेजर तरह की होती हैं आपके प्री हिस्टोरिक पीरियड को, तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, और वो कौन कौन से पार्ट्स हैं आपका, आ जाएगा एक तो अपर पेलियोलिथिक इंडियन पेंटिंग्स, फिर मेजोलिथिक इंडियन पेंटिंग्स, एंड फाइनली चालकोलिथिक इंडियन पेंटिंग्स। देन फर्स्ट ऑफ ऑल अपर पेलियोलिथिक पीरियड आएगा, ये करेंगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत लेंथी हो जाएगा लेक्चर, तो मैं यहीं पे इसको कंपाइल कर रही हूँ, तो नेक्स्ट में आएगा अब आपको अपर पेलियोलिथिक से। सो यहाँ तक आई जस्ट होप आपने नोट्स भी बना लिए शॉर्टकट में, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।